राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की ऐतिहासिक कथा का समापन 16 जुलाई को भव्य तरीके से हुआ। पूरी देश की नजर इस कथा पर, इतना विशाल आयोजन भगवान की कृपा से अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में और इस कथा में दिन रात एक करने वाले शैलेंद्र श्री सालू जी, उनके परिवारजन, उनकी पूरी मित्र मंडली, जिन्होंने अपना तन मन धन लगा करके इतने बड़े आयोजन को आज निर्विघ्न पूर्ण कराने का संकल्प पूर्ण कर लिया है। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक चली श्रीमद् भागवत कथा में देश भर के 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथा पाठ के दौरान सभी श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था भी मुख्य आयोजक शैलेंद्र शर्मा के द्वारा की गई। कथा के दौरान मुख्य यजमान के तौर पर शैलेंद्र शर्मा के माता पिता ने सातों दिन बैठकर कथा का श्रवण किया है। कथा समापन पर मुख्य आयोजक श्री शैलेंद्र शर्मा ने आदरणीय गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को स्वर्ण मुकुट भेंट किया। कथा के आयोजन को लेकर की गई व्यवस्थाओं जैसे कि टेंट, 24 घंटे भंडारा, बारिश के दौरान भक्तों के बैठने की व्यवस्था की, आदरणीय गुरुदेव के द्वारा भी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। बोलो बागेश्वर धाम की जय, श्री राम जय, श्री राम। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि, और मेरी औकात नहीं है गुरुदेव के सामने कुछ बोलने की, पर मैं अपनी कमेटी के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस भागवत को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग करा। कथा के लिए किए गए इंतजाम पर खर्च हुए धन की व्यवस्था मुख्य आयोजक शैलेंद्र शर्मा के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर की गई थी। पूरे देश भर में इतने बड़े भव्य आयोजन को लेकर कथा आयोजकों की सराहना की जा रही है।